फोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में। 2-4 मिनट खिलाड़ियों के बीच में बैठे थे, उनके अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ। पदरंग, मेरा यही सवाल है कि अनुराग ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया ये 5 दिनों में उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारे से कोई बात नहीं हुई, हमारे जब हम उधर से उठ के आए तो उसके बाद अनुराग जी को मैंने खुद कॉल किया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और वो बोल रहे हैं कि हमने उनके बोलने से बबीता जी को ऐड किया है, उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है कमेटी के मेंबर में। नहीं, हमने 6 लोगों के नाम दिए थे ना, सिर्फ बबीता को क्यों ऐड किया? बबीता को हम तो 3-4 लोगों के नाम पे अड़े हुए थे कि 3-4 लोगों के नाम दो, लेकिन सिर्फ उन्होंने बबीता का ही क्यों डाला, उन्होंने बाकी लोगों का क्यों नहीं डाला? इसलिए डाला हुआ ना कि उनके ऊपर भी प्रेशर बना ले हम कहीं पे। और आपने पहले कहा भी था कि बबीता फोगाट के सिग्नेचर कमेटी की रिपोर्ट पे नहीं दिए गए। नहीं, वो तो बबीता ने खुद बोला, खुद बबीता जी ने इंटरव्यू दिया है कि मैंने सिग्नेचर किए हैं या पता नहीं असहमति के साथ में मैंने सिग्नेचर कर दिए, मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, मेरे साथ बदतमीजी की। अगर कमेटी के लोगों में आपस में झगड़ा है, वो बदतमीजियां कर रहे हैं आपस में ही, तो वो हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? हम क्या दूसरी बात छोड़िए, राधिका श्रीमन ने एक बयान दिया है कि एक महिला खिलाड़ी ने शोषण का आरोप लगाया है, एक ने तो लगाया है ना, उसकी सजा भी तो होती होगी ना, वो भी तो भारत की बेटी होगी, या 20 लड़कियों का 30 लड़कियों इकट्ठा हो तब भी वो चीजें होंगी, एक पे तो एक्शन करिए आप तो बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ सबूत ही नहीं दिया। विनेश, खेल मंत्री की तरफ से ये भी बयान आया है कि कमेटी के सामने वो खिलाड़ी नहीं आए जिन्होंने अपनी बात रखने का दावा पहले किया था। वो सभी खिलाड़ी आए हैं, 12-13 लड़कियों ने बयान दिए, टोटल हम 15-16 लोगों ने बयान दिए कमेटी में, लेकिन कमेटी के मेंबर ही खुद बता रहे हैं, बबीता ने सामने आके बताया कि ऊपर नीचे करके बताया जा रहा है खिलाड़ियों के बयानों को। सर, हमारे पास प्रूफ भी है कि कौन लोग थे कौन नहीं लोग थे, तो ऐसा ना समझे कि हम हवा में तीर लगा रहे हैं कि लोगों ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। सर, चीज हमारे पास में है। क्या आप उस और लिस्ट को साझा करने और रहे खेल मंत्री जी जब हम मध्यस्थता कर रहे थे, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हमारे पास आते थे, बाकी उनके अधिकारी चारों तरफ से। और कई बार ऐसा भी हुआ था मीटिंग में कि हमें डराया भी जा रहा था। चलो, हम डरे नहीं, उसका हमने डर के कोई समझौता नहीं किया था। समझौता किस चीज़ पे हुआ था, किस लेवल पे हुआ था, वो अभी तक हमने अच्छे से क्लियर भी नहीं किया है। मैं आपको सही बताऊं तो एक्चुअल में बात किसके कहने पे समझौता हुआ है, क्या अंदर बात हुई थी, पूरी बातें हमने अभी भी ओपनली नहीं बोली हैं। तो खेल मंत्री जी से पूछे कि क्या आपने समझौता करते टाइम कितना टाइम खिलाड़ियों को दिया था? 12 मिनट टोटल नहीं दिए उन्होंने, 12 घंटे तो दूर की बात है। फोन कॉल्स बदरंग ने किए, मैंने फोन कॉल किए, क्या कमेटी बनने के बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खिलाड़ी फोन करे तो उनके अधिकारी फोन उठा के बोले सर बिजी है सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? देखिए, जनता को सब दिखाई दे रहा है कैसे एक शासन के खिलाफ में लड़ रहे हैं, कैसे हमारे कोई जलील किया जा रहा है, हमारे कोई अनुशासन बोला जा रहा है। क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज उठा रहा है, क्या वो हर एक अनुशासनहीन हो के इतने मेडल जीत रहा है? और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम अनुशासनहीन हैं या हम अनुशासन में नहीं रहते, क्या यही उन्होंने अनुशासन में रह के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं?